श्रीमान प्रियांक खरगे साहब का 22 नवंबर को बर्थडे है। बर्थडे के मौके पे प्रियांक खरगे अभिमानी की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट रखने का ऐसा हम तमाम लोग सोचे हैं। प्रियांक खरगे कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप, प्रियांक खरगे कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप जो खिलाया जा रहा है वो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से इसका एनरोलमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। ये एनरोलमेंट 19 तक चलेगा। ये यहाँ कांग्रेस ऑफिस में बाहर पे एक यूथ कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ पर सेटअप किया गया है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर पर्सनली आकर उसमें एनरोल कराना है। और एनरोलमेंट के टाइम आधार कार्ड कंपलसरी है, टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो विनर को जो रखे हैं फर्स्ट प्राइस, जो फाइनल मैच जीता है उसको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए, जो जीता है उनके लिए 1.5 लाख रुपए रखा गया है, और जो लूजर्स रहते हैं फाइनल रनर अप उनको 75,000 रुपीस प्राइस रखा गया है। और उसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज और तमाम जितने भी प्राइजेस रहते हैं वो तमाम प्राइजेस इसमें होंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया का प्रेस मीट बुलाने की वजह यह है कि हमारे युवा नायक श्रीमान प्रियांक खरगे साहब का 22 नवंबर को बर्थडे है। बर्थडे के मौके पे प्रियांक खरगे अभिमानी की तरफ से एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखने का ऐसा हम तमाम लोग सोचे हैं, तो उसका नाम है प्रियांक खरगे कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप। टेनिस बॉल कराने का हम लोग सोचे हैं, तो उसमें आज हमारे बीच में आए हुए मेरे दोस्त डॉक्टर किरण देशमुख साहब, प्रवीण हरवाल साहब, फारूक मन्याल साहब, राजवीर जानी साहब, सिद्धार्थ कोरवार साहब, शिव हनगुंटी साहब, हिरण्णा झड़की साहब और शिव नाटेकर साहब और हमारे पार्टी के तमाम लोग और तमाम सोशल मीडिया के जिम्मेदारान। आज ये प्रेस मीट बुलाने की वजह ये है कि हम लोग एक टूर्नामेंट जो कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप, प्रियांक खरगे कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप जो खिलाया जा रहा है वो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग 1 नवंबर से है और कल यानी के 5 अक्टूबर से इसका एनरोलमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। ये एनरोलमेंट 19 तक चलेगा। ये यहाँ कांग्रेस ऑफिस में बाहर पे एक यूथ कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ पर सेटअप किया गया है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर पर्सनली आकर उसमें एनरोल कराना है। ये गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कल्याण कर्नाटका मतलब पूरे हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बल्लारी, कोप्पल, विजयनगर, यहाँ के टीमों को इसमें खिलाया जा रहा है। और स्ट्रिक्टली इसमें यह है कि ये इसी भाग के जो प्लेयर्स हैं वही उसमें खेलने का इसमें एक ये रखे हैं ख़ास तौर से। और उसमें हम आधार कार्ड और इनरोलमेंट के टाइम आधार कार्ड कंपलसरी है,
तो मैं आपके माध्यम से तमाम जो क्रिकेट लवर्स है और क्रिकेट प्लेयर्स है, मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, आप तमाम लोग आइए, आकर यहां पर कांग्रेस ऑफिस में आकर, यहां पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आकर आप अगर एनरोल कराएंगे तो उसको हम आगे आने वाले इसमें पूरा टोटल उसको लेकर फर्स्ट से हम जो क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं उसमें आसानी होगी। ये टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, और इसमें हम लोग जो विनर को जो रखे हैं फर्स्ट प्राइस, जो फाइनल मैच जीता है उसको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए, जो जीता है उनके लिए 1.5 लाख रुपए रखा गया है, और जो लूजर्स रहते हैं फाइनल रनर अप उनको 75,000 रुपीज प्राइस रखा गया है, और उसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज और तमाम जितने भी प्राइजेस रहते हैं वो तमाम प्राइजेस इसमें होंगे। तो हमारे लीडर जो प्रियांक खड़गे साहब का बर्थडे जो 22 नवंबर को है, उसके एवज में हम उसके लिए हम तमाम लोग, ये हमारे प्रियांक खड़गे अभिमानी के तरफ से हम लोग ये टूर्नामेंट रखा गया है। तो मैं आप तमाम सोशल मीडिया के जानिब से और तमाम सोशल मीडिया के व्यूवर से ये अपील करता हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी प्लेयर्स हैं, आप उनको बताइए ये यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने जा रहा है गुलबर्गा में। हम लोग चार से पांच ग्राउंड आइडेंटिफाई किए हैं, हमारे एनरोलमेंट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने ग्राउंड में ये मैचेस को खिलाना है। अगर मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा टीम आएंगे तो हम ग्राउंड्स मैक्सिमम इसमें बढ़ाएंगे, अगर कुछ कम आएंगे तो उसमें ग्राउंड्स को कुछ कम करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि एमएस की मिल का एक ग्राउंड है, हमारे पास यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड है, ग्राउंड एक है, केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ग्राउंड है, एचके डेंटल कॉलेज का एक ग्राउंड, हम ऑलरेडी इसको आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो यहां पर हम लोग इसको खिलाएंगे। तो मैं फिर एक बार तमाम लोगों से, आपके व्यूअर से अपील करता हूं, जो भी देख रहे हैं इसको आप कल से अगर आप इसको एनरोलमेंट करेंगे तो मैं समझता हूं आप जल्द से जल्द इसको एनरोलमेंट करेंगे तो हमको आसानी होगी आगे फिक्स्चर्स डालने में और टीमों को डिसाइड करने में और मैचेस स्टार्ट करने में। ये हमारे पास जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके नंबर्स हैं, अगर आप अगर कोई फोन पे अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो उनके ये नंबर्स हैं 9480045304, और एक नंबर है 7026347555, और एक बार बोलता हूँ 7026347555। ये अगर नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे आपको तमाम डिटेल बताई जाएगी, मगर इसमें ख़ास तौर से आप पर्सनली यहाँ पर आना है, आकर यहाँ पर एनरोल कराना है यहाँ पर, और आपका आपके साथ आधार कार्ड जरूरी कंपलसरी है। पूरा टीम का लगेगा या सिर्फ कैप्टन का? नहीं नहीं, पूरा टीम का इसलिए लगेगा, हम ये चाह रहे हैं इस भाग के हैदराबाद कर्नाटक के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए हम लोग आधार कार्ड चाह रहे हैं। तो ख़ास तौर से ये टूर्नामेंट यहाँ हैदराबाद कर्नाटक को खिलाने की वजह ही यही है कि इस भाग के लोग यहाँ पर खेले, खेल कर हम लोग अगर जो अच्छे प्लेयर हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको आगे कुछ अच्छा अगर खेलते हैं तो उनको प्रमोट करने की भी हम प्रियांक खड़गे अभिमानी की तरफ से हम उसको कोशिश करें। टोटल कितने टीम्स खिलाने का डिसाइडेड है, क्योंकि अगर अतराफ के डिस्ट्रिक्टों की बात की जाए तो काफ़ी सारे प्लेयर्स आएंगे आपके पास टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो किस तरीके से आप कितने टीम्स को किस हिसाब से खिलाएंगे? अब हम जब ये टूर्नामेंट रख रहे थे, ये हमारे पास जब बैठे थे हम ये बात आई, तो जब हम तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया है जितने भी टीम अगर आएंगे,
जितने भी टीम आने दो, हम उन तमाम लोगों को खिलाएंगे बोलकर एक ऐसा हमारे ये है। नंबर्स कुछ ये नहीं है हमारे पास, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, जितने भी टीम हमारे पास आएंगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से 300 टीम हमारे पास इस टूर्नामेंट में खेलेंगे बोलकर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे आने वाले दिनों में 19 तारीख तक 2020 में रहेगा 10 ओवर्स में रहेगा। ये पहले जो नॉकआउट मैचेस हम खिलाएंगे वो 8 ओवर के मैच खिलाएंगे। कितने मैचेस होंगे ये नॉकआउट टीम्स है? ये टीम्स आने के बाद डिसाइड होंगे, नॉकआउट मैचेस होने के बाद उसका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल उसमें से डिसाइड कर कर हो जाएगा। इसमें कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं? इसमें ये ओपन टू ऑल है, कोई भी जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई फीस वगैरह भी आती है? इसमें कोई फीस नहीं है, टोटली फ्री है। ये प्रियांक खरगे साहब का जो जन्मदिन है वो जन्मदिन के वजह से हम तमाम लोग इसको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट और एंड डेट बताइए। ये रजिस्ट्रेशन की इसकी स्टार्ट डेट है कल से, 5 अक्टूबर से ये शुरू होने जा रही है। कांग्रेस ऑफिस में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये 19 अक्टूबर तक चलेगा, 19 अक्टूबर 5 o'clock तक। उसके बाद कोई टीम को हम इनरोल नहीं करेंगे। टूर्नामेंट कब से स्टार्ट करेंगे? 1 नवंबर से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और फाइनल खिलाया जाएगा 22 नवंबर को प्रियांक खरगे साहब के जन्मदिन के टाइम पर। आने का मकसद ये है कि हमारे लीडर जो प्रियांक खरगे साहब का जन्मदिन है उसके लिए खिलाया जा रहा है। ख़ास तौर से हमारे लीडर हमेशा से स्पोर्ट्स को हमेशा प्रमोट करने के हमेशा से ये कोशिश करते हुए आए हैं और प्रमोट भी किए हैं कई एक जगह पर। और स्पोर्ट्स और दूसरे हमारे जितने भी सोशल वर्क्स रहते हैं हमेशा से हमारे लीडर इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनके अभिमानी रहने की वजह से हम भी ख़ास तौर से एक स्पोर्ट्स में एक लोगों को यहाँ से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो बच्चे अच्छा खेलेंगे उनको आगे प्रमोट करने के लिए ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के जरिए जो प्लेयर्स अच्छे निकल कर आए क्या उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा कांग्रेस पार्टी? हम इससे पहले श्रवस्ती ट्रस्ट से एक टूर्नामेंट खिलाया गया था, हमारे पास जो लेदर बॉल टूर्नामेंट खिलाया गया था उसमें 8th से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को टूर्नामेंट खिलाया गया था। उसमें से जो बच्चे एक दो बच्चों को सेलेक्ट कर हम लोग उनको प्रमोट कर रहे थे बैंगलोर में, राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी में, वहाँ पर उनको भेजकर उनको आगे खिलाने की उनको ट्रेनिंग देने की हम हमारे ट्रस्ट की तरफ से कर रहे थे। अगर इसमें भी ऐसा कुछ बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको भी आने वाले दिनों में 100% प्रमोट करेंगे। कल्याण कर्नाटक के यूथ्स का टैलेंट बाहर निकालने का उद्देश्य? हाँ बिल्कुल, कल्याण कर्नाटक के टैलेंट, क्रिकेट के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है। जैसे कि अभी हमारे नेता मजहर खान जी ने आप सबको ये टूर्नामेंट के बारे में बताया है, हर साल प्रियांक खरगे जी के जन्मदिन पर हज़ारों के तादाद में बेंगलुरु जाके उनको विश करते थे और पिछले 3-4 साल से प्रियांक खरगे जी ने बर्थडे उतने बड़े पैमाने पे नहीं बनाना और पूरे लोग को तकलीफ़ होता, स्पेशली गुलबर्गा से और नॉर्थ कर्नाटक से पूरे लोग वहाँ बेंगलुरु जाके पहुँचने में उनको ये तकलीफ़ होता बोल के उन्होंने बर्थडे बनाना छोड़ दिया। उसके बारे में कई जगहों पे सोशल सर्विस या सोशल प्रोग्राम्स हम लोग हर साल बहुत सारी एरियाज़ में, गुलबर्गा हो या कल्याण कर्नाटक में हो, वो करते थे। तो इस बार हम सब लोगों ने सोचा कि और बहुत सारे यूथ का भी डिमांड था कि एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो बोल के। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सबसे चहेता गेम क्रिकेट है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पूरे कल्याण कर्नाटक पे एक बड़े पैमाने पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल वे में उसको ऑर्गेनाइज करके
प्रियांक खरगे जी के बर्थडे के दिन जो 22 नवंबर को फाइनल मैच खिला के, और वो मैच में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा क्रिकेट प्लेयर या फिर कोई स्टार को बुलाना बोल के देखेंगे। वो शायद 22 से पहले आप सबको हम लोग उसका इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो इसके लिए अब हम लोग ने सोचा कि अच्छा प्राइस अमाउंट भी रखेंगे, इसलिए 1.5 लाख विनर्स को और 75,000 रनर्स को दिए गए हैं, और पूरे बाकी सब प्राइस भी दिया जाएगा। और फाइनल मैच जो है MSK मिल ग्राउंड, फिलहाल हमने वो आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें जैसे कि मजहर खान जी ने बोला है कि कोई लिमिट नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जितने भी टीम्स आते हैं हम सबको एंट्री, जितने भी जेन्यून टीम्स विद पूरे आधार कार्ड वगैरह उनका और ये एरिया को बिलोंग करते हैं, उन सबको इसमें मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा एक टूर्नामेंट और बहुत ही प्रोफेशनल वे पे हमारे साथ पूरे क्रिकेट के जो भी कोचेस है या फिर क्रिकेट के टोटली स्टाफ जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं टेक्निकल स्टाफ, उन सबको भी हमने बात किया है। तो बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये हम लोग करने वाले हैं। सर, बारिश की वजह से अगर कुछ मैचेस नहीं हो पाएंगे तो क्या पॉइंट्स के बेसिक पे टीम को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम नवंबर में यूजुअली उतना ये नहीं रहता। तो एक तो ये है कि जितने भी टीम आएंगे वो हम लोग वो देख के आगे का हम लोग डिसाइड करने का सोच रहे हैं, और बहुत ही लोकल ही रहते हैं तो आई थिंक वी कैन पोस्टपोन। तो लेकिन अगर 2-3 दिन बारिश हो गया तो क्या करना हो जी, वो बाद में हम लोग टेक्निकल टीम से बैठ के डिसाइड करेंगे। जिला कांग्रेस की तरफ से पहली बार? नहीं नहीं, ये जिला कांग्रेस की तरफ से नहीं है, ये प्रियांक खरगे साहब के जितने भी चाहने वाले हैं। नहीं नहीं, ये जितने भी चाहने वाले हैं, हाँ जितने भी चाहने वाले हैं, ये सिर्फ बहुत सारा आपको मालूम है प्रियांक खरगे जी का पूरा स्टेट वाइड एक बहुत ही चाहने वाले हैं हर जगह। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है उनके चाहने वालों की तरफ से, ये इसमें सिर्फ हमारे पार्टी हो या ऐसा ये नहीं है। तो हम सब लोग मिल के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनको। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं आए हैं क्योंकि ये फेस रहना बोल के हम लोग आज प्रेस मीट करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास होना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचना और ज़्यादा टीम्स आना बोल के हम आज प्रेस मीट रखे, और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रहेंगे। इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है पूरा स्टैंडर्ड तरीके से सभी रूल्स होंगे जी। 100 कुछ आप लोगों ने प्लान किया कि इस मैचेस को लाइव टेलीकास्ट दिखा जाए या किसी पर्टिकुलर एक देखिए, जैसे कि मैंने कहा है 19th को क्लोजिंग डेट है, तो 19th के बाद 1 नवंबर को ये चालू होगा। तो हम लोग जो भी अभी तो डिसाइडेड ये है कि क्वार्टर फाइनल से जितने भी रहेंगे उनको हम लाइव करेंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टीम्स हम आगे उसको डिसाइड करके। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है आपके कॉन्टैक्ट करना? नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि अभी हमने बताया है, 2 नंबर्स दिए गए हैं मोबाइल नंबर्स, वो नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके आपका टोटली टीम का जो भी टीम विद नेम्स और उनका आधार कार्ड, ये कांग्रेस ऑफिस में सुबह 10 बजे से 10:30 to 5 o'clock आप कभी भी आके दे सकते हैं। यहाँ पे 2 लोग हमारे अपरो साहब है और शरणु, तो 2 लोग यहीं रहेंगे, उनका नंबर्स भी है, कोई डाउट्स रहे तो भी आप उनको कॉल करके आप उनको पूछ सकते हैं। सर, ये तो पहला प्राइस को समझना आता है 1.5 लाख, जो सेकंड है 75,000, इसका उद्देश्य है? नहीं ना, रनर अप के लिए है वो जी। देखिए, फाइनल पहुंचने का ही एक बहुत बड़ा ये रहता है, आपको मालूम है। तो और आप अभी आजकल देख रहे हैं थोड़े इसमें उनका भी मेहनत उतना ही रहता है, तो हम लोग सबको बढ़ावा देने के लिए रनर्स को भी हम प्राइज मनी रखे। आज के प्रेस मीट के लिए आपका आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। जैसे कि पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे मजहर खान साहब और हमारे डॉक्टर किरण देशमुख आपको दे दिए हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी तो आपको पूरा डिटेल में हमारे लीडर्स बता दिए आपको। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि ये करने का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है बोले तो, प्रियांक खरगे जी कभी भी क्रिकेट, स्पोर्ट्स, स्टडीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने अभी 4 साल से मेरे ख्याल से 4 साल से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो,
उनका एक ही उद्देश्य था, इतना पैसा आप खाली बर्थडे आके बड़े कटआउट्स लगा के फूल डाल के शॉल डाल के खर्च करने से वही पैसा किसी गरीब को या किसी स्टूडेंट को या किसी मददगार को कुछ मदद हो सकता तो वो कर दो बोल के हमको 4 साल पहले बोले थे। हम ये 3-4 साल से हम वही करते आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम कुछ कुकर्स को दे, कोविड में हम कुकर्स दिए और कंटिन्यू फूड रखे थे, ऐसा हर साल कुछ ना कुछ कर रहे थे। हालांकि अभी हमारे डॉक्टर साहब बोले ऐसा यूथ का एक डिमांड था, आप लोग लेडीज़ को ये करें उनको ये करें, बस तो ये यूथ को भी कुछ आप स्पोर्ट्स के लिए इनक्रेज करो बोल के, ताकि हम सोचे क्रिकेट इज़ द बिग गेम एंड बहुत सारे यूथ चाहने वाले हैं। एक हमारे खेड़े गांव में क्या होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो लोग उधर ही खेलते हैं उधर से, मतलब उधर भी टैलेंट बहुत है, ऐसा नहीं है उनके पास टैलेंट, उधर ज़्यादा टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इस कल्याण कर्नाटक रीजन का करने का मतलब क्या है, तो पूरे कल्याण कर्नाटक के एक यूथ जुड़ जाएंगे तो एक नया टैलेंट उभर के आएगा, उनको सीखने को मिलेगा, उनको एक तजुर्बा होगा कि वहाँ के प्लेयर्स कैसे हैं यहाँ के प्लेयर्स कैसे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उससे उनको बढ़ावा मिलेगा कि हम आगे जा सकते बोल के उनको हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, नहीं तो उधर ही खेलेंगे उनको लगेगा ये इधर हम इतना ही, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस उद्देश्य से हम यूथ्स को आगे बढ़ाना स्पोर्ट्स में और उनको एनकरेज मिलना है, और इसलिए इतना हार्ड मनी क्यों रखा है, तो उनको कुछ उस चीज़ से उनको कुछ आप उनको हेल्प होना है बोल के, उनका क्रिकेट किट्स होने दो, उनका ड्रेसेस होने दो, उनको क्या चाहिए वो यूज़ होने के लिए, आगे ये मनी से उन्हों बेंगलुरु को जा सकते हैं या दूसरे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए उनको एक हैवी अमाउंट मिले मिलना बोल के हम सपोर्ट किए। इस ये छोड़ के उनको हम अभी दूसरे पूरे जो सीरीज़ में बेस्ट बैट्समैन उनको भी हम सोचे कुछ करने के लिए, वो अभी डिस्क्लोज नहीं करें, हम बाद में हमारा टीम और टेक्निकल टीम बैठ के उनको क्या क्या प्राइजेस देना है कैसा देना है वो भी सोचे। ये छोड़ के भी लास्ट डे जैसे कि अभी हमें डॉक्टर साहब बोले, हम सोच रहे कि एक बड़ा क्रिकेटर को या बड़ा फिल्म स्टार को बुलाना बोल के सोच रहे, इंशाल्लाह होगा नहीं होगा वो पता नहीं, हमारा कोशिश है हम बुलाना है क्रिकेटर को, उन्हों आने से क्या होता है इधर के स्पोर्ट्स यूथ्स को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, अरे ये क्रिकेटर आके हमको ये प्राइज़ दिया है, एक फिल्म स्टार आके ये दिया है, उनको भी एक ये मिलता है बोल के हम सोच के वो सोचे हैं, देखेंगे आगे क्या क्या होता। हमारा तो अभी स्टार्टिंग कल से एनरोलमेंट हो रहा है, 19th को एनरोलमेंट क्लोज होगा हमारा, जिस दिन हमारा एनरोलमेंट क्लोज होगा तब हमको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कितना टीम एनरोल हुआ है, हम इसको कैसा हम इसमें लाना है, उसके बाद ही हमको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कितना टीम कहाँ कहाँ खिलाना है कैसा खिलाना है कौन से डेट पे कौन सा मैच कहाँ पे होगा। हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ऐसा कितने ग्राउंड्स है वो ग्राउंड्स को हम अलॉट कर देते हैं, एग्जांपल अभी 10 टीम को एक ग्राउंड 10 टीम को एक ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड्स अलॉटमेंट का भी सोच रहे हैं ताकि उनको मुश्किल नहीं आना है, उनका रोज नहीं एक ही दिन हम अलॉटमेंट करके छोड़ देते हैं उनको, एक ग्राउंड को एक हमारा एक यूथ टीम रहेगा, हर चीज़ वो देखेंगे, उन्होंने पानी क्या होगा ग्राउंड पे क्या चल रहा है, एक हर एक ग्राउंड को एक टीम बना रहे हैं हम, वो ग्राउंड का टीम वही देखना, वो ग्राउंड का कुछ भी समस्या क्या भी रहे तो वही हल करना, ये भी सोच के चल रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। आप लोगों का हमारे ऊपर थोड़ा ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप व्यूअर्स को बताएंगे और आपके व्यूअर्स हमको सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम आएगा, ज़्यादा टीम आएगा तो एक बड़ा मैच होगा, बड़ा मैच होगा तो एक बड़ा लास्ट में एक बड़ा फाइनल मैच देखने को मिलेगा, देखेंगे आगे क्या होता है।